मुख्यमंत्री कुछ भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। कर्नाटक में रैली के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि वो 50 साल उम्र के हैं लेकिन 5 साल की बात। अब इतनी हल्की बात शिवराज सिंह जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए जो तीन तीन चार चार बात और दूसरे आखिरी बार। नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा, नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है। रवीश, कोई और जानकारी इसके अलावा है आपके पास कि 11 जवान शहीद हुए, हमला हुआ, कोई और जानकारी मिल पाई है रवीश? देखिए आपको बता दें अभी कि यहाँ पे जानकारी जो सबसे ताजा जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अभी भी यहाँ पे जो मुठभेड़ है वो चल रही है, क्योंकि जो बाहर दूसरी ओर से यहाँ से गई हुई है जो पीछे की तरफ चल रही है उनके बीच में जो जवान बच गए हैं डीआईजी के उनके और नक्सलियों के बीच लगातार अभी भी फायरिंग हो रही है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। देखिए सही सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो आती है बार बार जो हम देखते भी आए लंबे समय से कि कभी भी इस तरीके का कोई एम्बुश लगाया जाता है और वहाँ पे इस तरीके से कोई घटना होती है तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो बाकी बचे हुए जो जवान होते हैं उनको समय पर वहाँ से इवैक्यूएट नहीं हो पाते हैं, वो लगातार मुठभेड़ में एम्बुश में तरीके से फंसे रहते हैं। उनको निकालने के लिए या उनको बैकअप देने के लिए जो टीम भेजी जाती है वो भी उन तक पहुँच नहीं पा रही है। ये जो पूरा इलाका है जो सड़क है ये आदमपुर मामला मार्ग यहाँ पे हमला हुआ है, विस्फोट किया है यहाँ पे अभी अभी भी जारी है, दोनों तरफ से गोलीबारी फिलहाल चल रही है और अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक डीआईजी के जवान है, एक ड्राइवर है उस वाहन का। रवीश, हम आपको कुछ देर के लिए रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि नक्सलियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और ये भी कहा है कि अब हम नक्सलियों को जड़ से खत्म करेंगे, लेकिन ये आज की समस्या नहीं है, ये बरसों की समस्या है और कोई भी सरकार छत्तीसगढ़ में रहे नक्सलियों पर लगाम नहीं लगा पाई है। जितेंद्र बहादुर सिंह, जितेंद्र कोई और अपडेट मिला आपको? देखिए जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं आपने पिछले दिनों में देखा कि जो नक्सली हैं छत्तीसगढ़ में वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो घने जंगलों में अपने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना रहे हैं, इसी वजह से नक्सली काफी बौखलाए हुए हैं और काफी दिनों से इस तरीके के अलर्ट्स आ रहे थे कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हाल ही में एक बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कुछ दिन पहले ऑपरेशन प्रहार भी लॉन्च किया गया था और उसमें ये जो नक्सली खास तरीके से जो हिडमा है उसके खिलाफ एक ऑपरेशन किया था लेकिन वो हिडमा उस वक्त बच करके निकल गया था, लेकिन आज जिस तरीके से नक्सलियों की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया है वैसे में सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा संख्या में वहां पर रश किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। जानकारी यह है कि गृह मंत्रालय पूरी सिचुएशन को इस वक्त मॉनिटर कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दंतेवाड़ा का इलाका है ये काफी खतरनाक इलाका है, यहाँ पर कई ऐसे जगह हैं जो अभी भी अछूते हैं, इन इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा से ज्यादा अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं और यहाँ पर जो ऑपरेशन भी है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से वो भी चलाया जा रहा है, लेकिन ये महीना जो मार्च से लेकर के जून तक का होता है वो TCOC कहलाता है जो कि नक्सली सुरक्षा बलों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं और इस दौरान काफी सुरक्षा बल चौकन्ने रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से नक्सलियों की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है वो काफी। जितेंद्र आपको हमें रोकना पड़ेगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बयान दिया है हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे।